आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनीषो मैट्री पर स्वागत है। हम लोग मैथ्स में आज टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क क्वांट में सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा, टाइम एंड वर्क। इसमें हम सब जानते हैं कि जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कार्य और एफिशिएंसी क्षमता होती है। अब टाइम समय, अब इसमें तीनों चीजों में सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। हम लोग क्वांट का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हम सबसे पहले सीखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्षमता, वर्क कार्य और टाइम समय, तीन चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें जो वर्क है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एफिशिएंसी, पॉइंट नंबर वन बात करें, अगर एफिशिएंसी क्षमता कांस्टेंट है, अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। दूसरा, अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है, एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो भी क्या हो जाता है, ये एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो टाइम वर्क की क्या हो जाएगा, हो गया क्षमता। अगर यहाँ टाइम, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो इसमें वर्क एफिशिएंसी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें कि अगर वर्क कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है तो इसमें टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ये सीखेंगे अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है, क्षमता बराबर है, निश्चित है तो टाइम और वर्क क्या होते हैं, दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें तो एफिशिएंसी और वर्क एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर हम यहाँ पे वर्क को ही कांस्टेंट कर दें तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा रिश्ता करते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इसमें तीन स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये जान गए कि होता क्या है चैप्टर के बारे में, समय और कार्य। एफिशिएंसी के बिना कार्य नहीं हो सकता, और एफिशिएंसी है और समय ना दिया जाए तब भी कार्य नहीं हो सकता। तो ये चीजें हम लोग समझ गए हैं। अब हम इसमें तीन पॉइंट आपको समझाएंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, तो पहला पॉइंट होगा कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। दूसरा होगा पॉइंट, वन डेज वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तीसरा पॉइंट होगा एलसीएम ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। लेकिन एलसीएम कब लेते हैं, जब वर्क कांस्टेंट होता है। वर्क क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अलग अलग व्यक्ति हो लेकिन वर्क कांस्टेंट हो तो हम समय का एलसीएम लेते हैं डेज का, तो टोटल वर्क आ जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहला इस टॉपिक को तैयार करेंगे। हमारे पास तीन टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क, और दूसरा वन डेज वर्क, नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क, और तीसरा एलसीएम ऑफ डेज, टोटल वर्क। तो आज हम लोग सबसे पहला इस पॉइंट को समझेंगे। नोट्स बनाइए क्वांट का, और पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क। पहला पॉइंट होता है कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर वन की, तो क्वेश्चन नंबर वन है
कि मान लो कहता है कि 10% 10 व्यक्ति या 10 मैन ले लो, 10 मैन किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 16 आदमी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सलूशन होगा बहुत बेसिक से हम पढ़ाएंगे। पहला पार्ट हमारा बिल्कुल बेसिक होगा, सेकंड पार्ट भी बेसिक होगा, फिर धीरे धीरे से हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो 10 मैन 20 डेज, तो अभी लिखवाए हैं नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क। तो आप क्या करिए इसको इंटू कर दीजिए, 10 × 20 इज इक्वल टू 16 मैन इंटू डेज मान लीजिए डी। तो सॉल्व करेंगे जब 4 से कटा 4 ये 5 आएगा, 2 से 2 ये 5, और जो डी बराबर आएगा वो 25/2 इज इक्वल टू 12.5 डेज आंसर। तो इस ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आसान है, 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 16 आदमी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 10 × 20 = 16 × d, तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे। क्या कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल वर्क। तो ऐसे ही हम अगला दूसरा क्वेश्चन लेंगे, बट 2 आपसे कहा जाए कि 12 आदमी तथा 16 औरतें, 12 आदमी अभी थोड़ा लेवल सही रखेंगे, 12 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं तथा 15 औरतें 20 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो उसी कार्य को 5 आदमी तथा 2 औरतें मिलकर 15 ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सलूशन कैसे होगा। अब देखिए अभी लिखवाए हैं नंबर ऑफ पर्सन 12 आदमी 10 दिन, तो क्या करेंगे 12 मैन इंटू 10। अब वही सेम कार्य 15 औरतें 20 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 15 ओमेन इंटू 20। अब देखिए 10 से कैंसिल हुआ 2, ये कैंसिल हुआ 6 आया, 3 2 जा और 3 5 जा, तो यहाँ से जो मैन अपान डब्लू आया वो आया 5/2, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब जब हम बात करेंगे वर्क, तो वर्क कितना होगा, तो वर्क होगा यहाँ से 12 किसी एक को ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए और चाहे आप इसको लीजिए, दोनों से समान वर्क आएगा क्योंकि सेम वर्क हम लोग करवा रहे हैं, चाहे वो पर्सन मैन करें और चाहे वो वोमेन करें। अब देखिए तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 12 × 5 × 10, तो ये आपका आएगा 1260 और 600। हमें किससे काम करवाना है, हमसे काम करवाना है 5 आदमी और 2 औरतों से, तो 5 आदमी, एक आदमी 5 काम करेगा तो 5 आदमी कितने करेंगे, 25, 25 प्लस
ये कितना हो जाएगा, 2 दुनी 4, 600/29। अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर ये आ जाएगा। हो सकता है इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर हो तो आप इसके टेबल पढ़ करके इसको कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है हो सकता है पूछ ले, पुलिस का एग्जाम होने वाला है हो सकता है उसमें पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है, टाइम एंड वर्क का पहले 2 पार्ट बेसिक होगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक आगे लेवल बढ़ाते रहेंगे। बैंक पीओ के भी क्वेश्चन कराएंगे, एसएससी के सभी क्वेश्चन इसमें करा देंगे। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। अगर कहा जाए कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेला 12 दिन कार्य करता है फिर शेष कार्य बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य बी अकेला 30 दिन में पूरा करता है तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, जैसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे। कैसे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, नंबर ऑफ पर्सन को हमने ऐड कर दिया, इंडिविजुअल नहीं था, अलग अलग हैं तो ऐड कर दिया, 20 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 12 दिन में काम करता है और फिर बी 30 दिन में खत्म करता है। तो सॉल्व करेंगे तो 20 ए यहां रहेगा, 12 ए तो कितना आएगा, 8 ए, और ये 20 बी है और यहाँ 30 बी है तो बचेगा 10 बी। आप सॉल्व करेंगे 4, यहाँ कितना आएगा 5, तो यहाँ से ए अपान जो बी है वो आपका आएगा 5/4। तो ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4। अब इसमें वर्क निकालेंगे पहले, तो वर्क कितना आ जाएगा, ये 5 है ये 4 है, 5 4 कितना हुआ 9, यहाँ पुट कर देंगे तो 9 × कितना 20, और हमसे काम किससे करवाना है, ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 4, तो 36 डेज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 12 दिन में पूरा करता है और शेष कार्य बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो ए प्लस बी 20 दिन में करेगा तो गुणे 20 कर दिया, ए 12 दिन काम करता है तो 12 ए हो जाएगा, शेष कार्य बी 30 दिन में काम करता है 30 बी हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8a = 10b हो जाएगा और ए अपान बी आएगा तो 5/4 आ जाएगा। तो इसमें ए और बी का एफिशिएंसी का हमें रेशियो पता चल जाएगा और हम वो एफिशिएंसी को यहां पुट कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। फिर हमें जिससे काम करवाना है, क्वेश्चन ने कहा ए से कितने दिन में काम पूरा करवाना है, तो ए की एफिशिएंसी 5 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा 36 डेज आ जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ लोग आपको इसका एलिगेशन भी बताएंगे, बट यही क्वेश्चन होता है, बाकी नहीं हो पाते हैं। एलिगेशन कैसे होता है कि ए काम करता है आपका ये 12 दिन, ये काम करता है 30 दिन और दोनों करते हैं 20 दिन, तो ये डिफरेंस आया 10, ये डिफरेंस आया 8, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 5:4। टाइम के एलिगेशन से एफिशिएंसी का रेशियो आता है, तो 5 × 9, दोनों काम करते हैं 20 दिन में, 9 × 20 कितना हो जाएगा 180, और काम किससे करवाना ए से, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा 36 डेज। तो आप इसको सॉल्व करिएगा पूरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, और हम आगे क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो सवाल लिख रहे हैं कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं
11 दिन बाद बी कार छोड़ देता है शेष कार्य ए तथा सी मिलकर 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, जितने क्वेश्चन होंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, और भले ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं बट क्वेश्चन वही ले रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसका सलूशन कैसे करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका सलूशन है, देखिएगा जो फॉर्मेट हम चला रहे थे, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल वर्क, सीधे हम उसी को लगाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ध्यान दीजिएगा कैसे लगाना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 16, तो 16 दिन काम करना था, पूरा कर सकते हैं। 11 दिन बाद बी कार छोड़ देता है, मतलब 11 दिन काम करते हैं तो बचा कितने दिन का काम, 5 दिन का। 11 दिन बाद बी कार छोड़ देता है, तो 11 दिन बाद बी ने कार छोड़ा है ना, तो 16 दिन में हो रहा था, 11 दिन हो चुका है, कितना बचा है, 5 दिन का काम बचा है। अब बी ने छोड़ दिया तो कौन बचा, ए और सी बचा, ये करते हैं 10 दिन में काम पूरा, ये लिखा हुआ 10 दिन में। तो अब यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 10, इन तीनों की क्षमता 10 है और ए सी की क्षमता कितनी है, 5 है, तो बी की क्षमता कितनी बची, 5 बची, ये क्षमता आ गई बी की। तीनों के 10 काम करते हैं और ए प्लस सी 5 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। अब हमें क्या करना है, बी से पूरा काम करवाना है। तो अब कार कितना हुआ, तो कार निकालें, तो कार निकालने के लिए अभी देखो लिखा है ए बी और सी मिल के पूरा काम 16 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू 16 ये काम हो जाएगा 160। अब ये 160 काम कौन करेगा, करेगा बी, बी की क्षमता कितनी है, 5, तो आंसर आएगा 5 × 15 × 5 = 10, 32 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार को 16 दिन में कर सकते हैं, 11 दिन बाद बी कार छोड़ देता है, शेष कार ए और सी मिलकर 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला पूरा कार कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, 16 दिन काम करना था, 11 दिन कर चुके, तो बचा कितना, 5 दिन का काम। 5 दिन का काम जो है तीनों करते थे लेकिन बी ने छोड़ दिया, तो वही 5 दिन का काम ए और सी को 10 दिन में करना पड़ा। 5 दिन का काम ए और सी को 10 दिन में, मतलब ये जो काम बचा था ये कार बराबर इस कार के होगा, बी के जाने के बाद यही कार ए और सी 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो बन गया, इधर की वैल्यू उधर होती है, इधर की वैल्यू रेशियो में इधर होती है, इधर की वैल्यू इधर और इधर की वैल्यू ये होती है। तो बी कितना काम करेगा, 5 करेगा। अब बी से हमें पूरा काम करवाना है तो कार कितना होगा, तीनों मिलके 16 दिन में करते हैं और तीनों की क्षमता हमको पता है कितनी है, 10 है, 10 × 16 = 160 हो गया, 5 से भाग किया कितना आ गया, 32 दिन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बुक में बहुत होंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा। और आगे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, तो नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर बात करें कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अपनी क्षमता 2 कर दे तथा बी अपनी क्षमता आधी कर दे, तो कार्य 8 दिन में पूरा होता है, 8 दिन में पूरा होता है। तो ए अकेला पूरा कार्य
कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका सेम वही होगा जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल वर्क। तो ए प्लस बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी पूरा काम करते हैं 12 दिन में, बराबर ए अपनी क्षमता दुगनी कर दे, तो ये 2A हो गया, और बी अपनी क्षमता आधी कर दे, तो ये काम करते हैं 8 दिन में, गुणे 8 हो जाएगा। अब 4 तीन 12, 4 दुनी 8, ब्रैकेट खोलेंगे 3A प्लस हो जाएगा 3B बराबर, ये हो जाएगा 4A प्लस हो जाएगा बी। तो आपको ए इधर भेजना है, बी इधर ले आना है, तो यहाँ हो जाएगा 2B बराबर ए। तो यहाँ से रेशियो जो बनेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए बाई बी इज इक्वल टू 2/1, तो ए बाई बी बराबर 2/1, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है, कार निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क कैसे निकलेगा, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की 3 हो जाएगी, गुणे 12 दिन में काम करते हैं, कार हो गया 36। अब यही 36 काम हमें किससे करवाना है, ए से, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो ए द्वारा लिया गया समय 36/2 बराबर 18 डेज, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चंस बहुत आता है एग्जाम में, आपने देखा होगा पिछले पेपर्स में बहुत क्वेश्चन आया है। अब हम इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सवाल एसएससी का पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल, क्या पूछा गया है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं यदि ए अपनी क्षमता दुगनी कर दे तथा बी अपनी क्षमता एक तिहाई कर दे, एक तिहाई कर दे, तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी का, बहुत बार आ चुका है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, ए अपनी क्षमता दुगनी कर दे, बी अपनी क्षमता एक तिहाई कर दे, 1/3 कर दे, तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। आइए इसको लगाते हैं। तो ए प्लस बी बोला है गुणे 5 बराबर ए अपनी क्षमता दुगनी कर दे 2A, और प्लस अपनी क्षमता तिहाई कर दे b/3 इंटू काम 3 दिन में पूरा होता है। तो अब सॉल्व करते हैं, 5A प्लस 5B बराबर हो जाएगा 6A और प्लस B, A इधर भेज दो तो बचेगा A, B इधर ले आओ तो बचेगा 4B, तो यहां से A रेशियो A बटा B जो आएगा वो आएगा 4/1। ये अब इसका मान यहां रखेंगे तो कार्य आ जाएगा, जब कार निकालेंगे तो यहाँ मान 4 × 5, तो 5 × 5 तो ये आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 25, और ए से हमें काम कराना है तो कार हो गया 25, और ए से काम कराना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 सही 1/4 दिन, ये इसको सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है वनडे एग्जाम में,
जितने भी एग्जाम्स होते हैं SSC बैंक वगैरह में पूछा गया सवाल है, आप देखिएगा सभी किताबों में, सभी जितने भी मॉडल पेपर होंगे SSC के या बैंक के, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ये मिलेगा क्योंकि पूछा हुआ सवाल है। इसका आंसर था 6 सही 1/4 दिन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा साथ साथ में, जिससे क्या होगा कोई क्वेश्चन जब हम मिटा दे रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप पहले क्वेश्चन नोट करके सोल्यूशन कॉपी पर नोट करते रहिए, समझते रहिए, और ऐसे ही हम पूरी क्वांट पढ़ाने वाले हैं। पहला पार्ट वन होगा, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे टाइम ऑनवर के कम से कम 8 से 10 पार्ट हो जाएंगे। तो आप पहले टाइम ऑनवर खत्म करेंगे बेसिक से बिल्कुल, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि मान लीजिए, कहता है सवाल कि 20 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 12 दिन बाद 60% कार्य पूरा होता है, 60% कार्य पूरा होता है, 12 दिन बाद 60% कार्य पूरा होता है, तो शेष कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यह SSC मेंस तक आता है सवाल, बेसिक से है लेकिन क्वेश्चन कोई भी आसान भी होता है जो मेंस में आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दो तरीके बताएंगे, इसका एक बेसिक तरीका बता देंगे और इसका एक ट्रिक भी बता देंगे, बहुत तरीके हैं। तो बेसिक तरीका क्या है, देखिए कि हम क्या करेंगे, 20 आदमी, इसका सोल्यूशन क्या करना, नंबर ऑफ पर्सन 20 है, 20 प्लस एक्स 3/5, और यहाँ क्या है 2/5, यहाँ कितना है 12 है। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं शेष काम, समय से करना है, मतलब 4 दिन हमारे पास है, कितना हमारे पास है 4 दिन है। अब ये इंटू इस तरह होता है, इस तरह ऐसे, तो इसमें इंटू कैसे करेंगे, तो दिख रहा होगा आप सबको यहाँ तक, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा 2/5, और गुणे कितना हो जाएगा 12, बराबर हो जाएगा 20 प्लस एक्स ब्रैकेट में है, गुणे हो जाएगा 3/5, गुणे हो जाएगा 4। जब सॉल्व करेंगे इसे तो 4 तियाँ 12 12 पूरा कैंसिल, तो 20 दुनी 40 बराबर 20 प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा 20, हमें 20 व्यक्ति और चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर भी और सारे क्वेश्चन कराते हैं। वही M1D1 वाला फॉर्मूला है लेकिन हम लोग इस डायग्राम से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, गलती नहीं होने देंगे। तो इसका दूसरा तरीका देखिए, अथवा जो हम पहला पढ़ा रहे थे नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज, उसी से बात करेंगे कैसे 60% को उठाएंगे। यहाँ से 60% होता है 3/5। अब देखिए जो 3 काम था वो 12 दिन में पूरा हो गया, 3 काम था जो 12 दिन में पूरा हो गया, तो 1 काम 4 दिन में होगा, बचा हमारे पास 2 काम है, तो 2 काम 8 दिन में होगा, 3 काम 12 दिन में है, पूरा 5 काम था, या ऐसे लिख लो पूरा 5 काम था, उसमें से 3 काम 12 दिन में हुआ है, तो 1 काम 4 दिन में होगा, 2 काम जो बचा है वो 8 दिन में होगा। अब देखिए हमारे पास 20 आदमी हैं, ऐसे भी कर सकते हो 20 आदमी जो काम हमको 8 दिन में ख़त्म करने हैं, 20 आदमी 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और आधे समय में चाहिए, तो आदमी दुगने कर देंगे, हो जाएंगे 40 आदमी, तो 20 आदमी और चाहिए। नहीं तो ऐसे देखिए 20 आदमी जो काम 8 दिन में करेंगे वो हमें 4 दिन में चाहिए, तो 4 दुनी 8, हमें 40 आदमी यहाँ पर आवश्यकता है, और 20 आदमी हमारे पास पहले से हैं, तो 20 व्यक्ति और चाहिए, तो -20 कर देंगे, तो आंसर आएगा 20 आदमी, ये इसका सही आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको पूरा नोट कर लीजिएगा।
इससे भी हो जाएगा 20 आदमी 3/5 12 दिन में, और 20+x 2/5 4 दिन में, ये ऐसे इंटू होता है क्रॉस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सॉल्व करके ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस और हम करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको नोट करते रहिएगा, यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 30 आदमी किसी कार का 60% भाग 15 दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। शेष कार्य को अगले 2 दिन में, अगले 2 दिन में पूरा करने हेतु, पूरा करने हेतु कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ बुक्स नहीं है, मैं जो अपने आप मुझे समझ में आ रहे हैं मैं वो लिखता चला जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन सब बढ़िया है, मैं यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मैं मार्कर हम और कैमरा, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं मैं वही लिखता चला जा रहा हूँ। सोल्यूशन समझ लीजिए, सोल्यूशन बहुत अच्छा है इसका, सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन समझिए, और फिर ऐसे ही किताब से सब सवाल लगा डालिए। तो इसमें 30 आदमी 60% 3/5 15 दिन, अब बोला है कितने आदमी बढ़ा दें 30+x, शेष काम 2/5, अगले 2 दिन में यहाँ 2 लिखेंगे, तो इसका इंटू, इसको दूसरे पेन से कर दे रहे हैं, इसका इंटू ऐसे होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये नीचे, तो ये यहाँ चालू हुआ है। तो 30 × 2/5 × 15 = 30+x × 3/5 × 2, ये कैंसिल, 3 × 6 6 × 5 = 30 5 × 10 = 15 150, तो 150 बराबर कितना हुआ 30+x, और x बराबर हो जाएगा 120, तो 120 और व्यक्ति चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा 120 व्यक्ति। अब इसका दूसरा तरीका क्या था, इसका दूसरा तरीका था, अथवा करके कैसे लगा सकते थे इसे, कि 5 में से 3 काम हो गए 15 दिन में, तो बचे कितने काम, 2 काम, तो 3 × 5 = 15, तो यहाँ 10 दिन। अगर ये 30 आदमी 10 हमारे पास हो गए 150 आदमी, कितने आदमी हो गए 150 आदमी। अभी 150 आदमी में अगर हम पहले से 30 आदमी हैं यहाँ पर, तो 150 में अगर हम 30 कम कर दें तो हो जाएगा 120, तो 120 आदमियों की आवश्यकता होगी। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 5 काम करना था 3/60% को क्या बोलते हैं 3/5, तो 5 ऊपर ले लीजिए, 5 में से 3 काम 15 दिन में हो रहा है, तो 1 काम 5 दिन में, तो 2 काम 10 दिन में। अब 30 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं, 300 काम हो गया, और हमें 2 दिन में चाहिए, तो आदमी कितने चाहिए 150, हैं कितने यहाँ पे 30, तो 120 और चाहिए। इसको नोट करिएगा, अगले सिर्फ 2 क्वेश्चन और, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन लेंगे हम, Part 1, Part 2, Part 3, आप इसको देखिएगा, और अच्छा लगे तो इसको बिल्कुल अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको और आगे तक बढ़ाइएगा, जिससे सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 आदमी 20 चटाई 12 दिन में बना सकते हैं, दिन में बना सकते हैं, तो 30 आदमी 50 चटाई कितने दिनों में बना लेंगे, कितने दिनों में बना लेंगे, ये भी बहुत आसान सवाल है और समझाते हैं। तो 40 आदमी 20 चटाई 12 दिन, और यहाँ ले लेंगे 30 आदमी 50 चटाई मान लेते D दिन,
अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसका नियम एक और होता है जहाँ ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, जैसे इसको 0 0 काट दिया, इसका 3 0 0 काट दिया, आसान थोड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 5 20, 4 5 20 और 12 2 24, 240 हो गया बराबर, 3 2 6 D, ये 6D हो गया, तो 6 4 24 D बराबर। देखिए अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं और ना मेरा स्पीड बहुत तेज है, हम आपको ये सब सोल्यूशन मुजमानी करा सकते हैं, ओरली करा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको समझा रहे हैं कि आप इसको बेसिक तैयार करिए। बेसिक बच्चों, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल पहली बार, उनके लिए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आदमी, यहाँ चटाई, यहाँ दिन, यहाँ समय। अगर यहाँ घंटे होता, आवर होता और मिनट होता, सब यहीं गुणा हो जाता। तो इसको सॉल्व करिएगा। और आज का अंतिम सवाल, 10 क्वेश्चन सभी पार्ट में लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और सही भी रहेगा, आप उसे देख भी सकते हैं, बोर भी नहीं होंगे आप। और बोर हो गए हों तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, शांति हो से, बिल्कुल डायलॉगबाजी हम करते नहीं हैं, और धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही आप सीखते रहिएगा मैथ्स। तो अंतिम सवाल आज का कि 50 व्यक्ति एक सड़क 20 दिन में बना सकते हैं, 20 दिन में बना सकते हैं, 16 दिन बाद 80% सड़क बन जाती है, सड़क को समय से बनाने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को लाना होगा, ऑब्लिक निकालना होगा, कुछ भी हो सकता है, मुझे पहले से पता नहीं है, निकालना होगा। आइए सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। 80% है 4/5, 5 में से 4 पार्ट हो चुकी है, कितने दिन में, 16 दिन में, तो बचा जो एक पार्ट है वो हो जाएगा 4 दिन में, कितना है 4 दिन में, और 4 दिन का था, बचा जो पार्ट है वो कितने दिन में होगा, 4 दिन में। अब 50 आदमी जो काम 4 दिन में करेंगे, वही काम हमको 16 दिन हो चुका था और 20 दिन में ख़त्म करना है, 4 दिन में चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50। तो 50 आदमी ही हमें चाहिए, इसलिए जो निकालना होगा या लाना होगा, इसकी संख्या क्या होगी, 0 होगी, नो रिक्वायर्ड, क्या होगी, 0। दोबारा समझा दे रहे हैं, आप इससे समझ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 50 और यहाँ पर कितना है आपका, कितना हो जाएगा 60 80%, मतलब 4/5 और 16 दिन में। तो यहाँ 50 ± x और यहाँ कितना 1/5 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दिन में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये इनटू करेंगे ऐसे, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 50 ± x गुणे 4 बराबर 50 × 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 50 × 4 ± 4x बराबर 50 × 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो नो मैन रिक्वायर्ड, एक भी आदमी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे हम लोग सॉल्व, ये ज़्यादा आसान है, 5 में से 4 काम हो गए 16 दिन में, 5 में से 4 काम हो गए 16 दिन में, बचा एक काम, 4 काम 16 दिन में, तो एक काम 4 दिन में। अब 50 आदमी 4 दिन में जो चाहिए वो 4 दिन में ही चाहिए, क्योंकि 16 दिन हुआ, 4 दिन बचे हैं, तो कोई आदमी की आवश्यकता नहीं होगी। लाना होगा या निकालना होगा कुछ नहीं करना है, उतने ही रखने हैं 50 व्यक्ति। थैंक यू, और हम अच्छे क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 में मिलेंगे, इसका 10 वर्क का पार्ट 2। थैंक्स, गुड नाइट।